तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली वो वज़ीर खेल व सियाहत अवीस नवाज कौन ने शहर के हुसैन सागर में कश्ती रानी क्रूज सर्विस का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन सनवाज गुप्ता, महकमे सियाहत के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोहर और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर सनवाज गौर ने कहा कि एक घूमने वाली रेस्टोरेंट की कश्ती बहुत जल्द हुसैन सागर में दस्तियाब रहेगी। इसी तर्ज पर दुर्गम चेरू तालाब में भी एक रेस्टोरेंट की कश्ती शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत के हर डैम में बोटिंग की सहूलियात फराहम की जाएंगी। जो टूरिज्म बोट बोट क्या है, तो बहुत अच्छी किश्ती इनॉग्रेशन किया गया हमारे आनेपुर में सर, जो डायनेमिक है राजस्थान सिवास गौड़ गारू, जो टूरिज्म डेवलप बहुत अच्छी तरह से करें डिपार्टमेंट में, और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के अहदेदार और मीडिया भाइयों सबको मेरा सलाम और नमस्कार। तेलंगाना बनने के बाद हमारे आनेपुर सीएम साहब ने टूरिज्म को बड़ी अहमियत दी और बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं। ये कोरोना की वजह से बीच में कुछ गैप आया था और फिर अब से टूरिस्ट आना शुरू है और हुसैन सागर पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और उन लोगों को अगर शिप जो छोटा सा बनाया गया है इसमें तकरीबन 80 से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी है और इसमें ख़ासतौर से बर्थडे पार्टीज या छोटे पार्टीज सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इसकी टेबल ली गई और इसके चार्जेस भी बहुत कम है, सिर्फ 4000 रुपीज़ में इसका ट्रेंड लिया जा रहा है वन आवर का। इसी तरह डे बाई डे टूरिज़्म को बहुत डेवलप किया जा रहा है, टूरिज़्म से काफ़ी अच्छी इनकम आ सकती है और रोज़गार मिल सकती है और तेलंगाना स्टेट टूरिज़्म के लिए बहुत पॉपुलर है। सारे वर्ल्ड से लोग इस तेलंगाना स्टेट को आते हैं और हैदराबाद में आते हैं। हैदराबाद चांदर है, हैदराबाद के अंदर हुसैन सागर है, ऐसे गंडीपेट हिमाय सागर, ऐसे बहुत से मुकाम आते हैं टूरिज़्म के लिए। तो आज यहाँ का जो इफ्तिताह किया गया उसके लिए मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, खासतौर से हमारे मिनिस्टर साहब को और चेयरमैन साहब को देखिए मुबारकबाद भाइयों का। हमारा जो श्रीनिवास गौड़ अन्ना है बहुत हमारा डायनेमिक लीडर है, वो हमेशा तेलंगाना मूवमेंट में भी बहुत तमाम खासतौर से एम्प्लाइज के साथ मिलकर तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिए और उन्हें सीएम साहब ने टूरिस्ट और इंडस्ट्री टूरिस्ट मिनिस्ट्री दिए और टूरिस्ट को बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं। एक्साइज भी बहुत हमारे पास इनकम जनरेट हुआ है। आज ये जो छोटा सा एक शिप का इनॉग्रेशन किया गया इसके अंदर 80 से 100 आदमी यहाँ पर आ सकते हैं और कोई भी पार्टी कर सकते हैं, चाहे बर्थडे पार्टी हो या कोई किस्म का फंक्शन हो। इसकी टाइमिंग सुबह से 8 से लेकर शाम के 12 तक है और बहुत कम चार्जेस 4000 लगाए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों को आने का इंटरेस्ट करने का मौका मिल रहा है। उसके लिए मैं खासतौर से हमारे मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और डिपार्टमेंट के लोगों को बारा। थैंक यू।